हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव व्यू से, और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें नीट और जेई से भी आते हैं और आपके बोर्ड से भी आते हैं बच्चों। तो बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे आप जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसके सारे इससे मिरेकल्स भी आते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या बेटा? कोलिगेटिव कम फ्रॉम लैटिन। आते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव बच्चों ये हो गया प्रॉपर्टीज़, राइट। अब ये बच्चों, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया है। हम इसे भी कह सकते हैं कि कोलिगेटिव कम फ्रॉम, बच्चों हम कह सकते हैं लैटिन वर्ड है ये, वहाँ से ये आया है को, और ये होता है बच्चों ये होता है बच्चों लाइगर, ठीक है, लाइगर को और लाइगर को, और ये बेटा है लाइगर को, मतलब होता है बच्चों क्या होता है बेटा, टुगेदर। क्या होता है बच्चों? हम यहाँ पर कहते हैं टुगेदर, ठीक है। ये बेटा को मतलब होता है टुगेदर। तो यहाँ बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये होता है टुगेदर, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या बच्चों? बेंट, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यानी कोलिगेटिव मीन्स होगा बाउंड टुगेदर, यानी हम कह सकते हैं कोलिगेटिव मीन्स, हम यहाँ बच्चों ये कह सकते हैं कोलिगेटिव मीन्स बेटा, हम ये भी कह सकते हैं कि बाउंड क्या होती है ये, टुगेदर। क्या होते हैं बेटा? बाउंड टुगेदर। अब इसको मैं समझाता हूँ, बाउंड ये हो गया बच्चों टुगेदर, ठीक है बेटा। अब चलिए इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल जो होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, कोई भी नेचर के ऊपर। इस पर बेटा नेचर में इसका कोई भी रोल नहीं होता है, केवल सिर्फ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से घटती है बच्चों, बढ़ती है, यानी बाउंड टुगेदर, यानी बंधी भी एक तरह से कहा जाए कि किससे है, सॉल्यूट पार्टिकल से ही क्या होती है बच्चों, ये पूरी तरह से डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। तो हम बेटा यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बच्चों डिफाइन करेंगे यहाँ पर, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, यहाँ पर हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये बच्चों केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर क्या करती है बच्चों, ये बेटा हम कहेंगे ये डिपेंड करती है, है ना। तो ये हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसी से प्रॉपर्टी घटती है और बढ़ती है, कहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ऑफ देयर क्या होता है नेचर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम कहते हैं नेचर का कोई रूल नहीं होता है, केवल ये सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर ही बच्चों डिपेंड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ और सारी चीज़ें हैं कुछ हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कि सी और पी, सी पी का मतलब समझ लीजिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सी पी का मतलब आप समझेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोलिगेटिव बेटा प्रॉपर्टीज बार बार आएगा, तो बेटा हम इस शॉर्टकट में लिखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के भी होती है। किसकी होती है बच्चों? पहले हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बेटा सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा बच्चों कहते हैं बच्चा मोल्स, अब उसकी पे होगी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे भी होगी।
तो यहाँ भी कहेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, किसके ऊपर बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, बात वही हुई। फिर बेटा कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या होते हैं बच्चों, सॉल्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर यह हम नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ होती है बच्चों मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी भी नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखते हैं बच्चों, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बेटा इंपॉर्टेंट है ज़रा इसको ध्यान रखिएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या करती हैं, हम कह सकते हैं डू नॉट डिपेंड, अभी हमने बोला था ना डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द नेचर ऑफ बच्चों पार्टिकल, जो भी हमने ऊपर बताया आपको, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है। जैसे कैसे हम कह सकते हैं, जैसे शेप है, ठीक है बच्चों, जैसे साइज है, ठीक है बेटा, जैसे न्यूट्रल है बच्चों, चार्ज है, ये बेटा हो गया ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों, ऑफ द बेटा हम आ गए पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। इसी तरह पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। तो बेटा इसको ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी, ये देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बात देखी हुई, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है ना, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, ये शेप होता है, साइज होता है, न्यूट्रल होते हैं, चार्जेज होते हैं, फिर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों जो टाइप्स ऑफ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, वो फोर टाइप्स की होती हैं, चलिए हम देखते हैं बेटा। आते हैं बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम आएंगे कितनी तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो टाइप्स ऑफ बेटा हम पढ़ेंगे, इनको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बेटा, ये कोलिगेटिव टाइप्स ऑफ बच्चों हम आएंगे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम आते हैं ये कितने टाइप्स होती हैं करते हैं, उसके बाद सबको एक एक करके बेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले होती है ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर एंड प्रेशर, ठीक है, पी नॉट माइनस पी टी अपॉन पी नॉट के, इसे इंडिकेट करते हैं बेटा। दूसरा बच्चों होता है हम कहेंगे एलिवेशन इन बच्चों होता है बॉइलिंग, और ये होता है बेटा पॉइंट, एनी वाई डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी टी नॉट, ठीक है बच्चों। तीसरा आते हैं बेटा हम कह सकते हैं
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बेटा ये हो जाएगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इसको बेटा ऐसे लिखते हैं यहाँ पे डेल टी एफ, अभी बेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ, सारी चीज़ें बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है चलिए, इसको बच्चों हमने ऐसे कर लिया, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब आते हैं बेटा फोर्थ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ क्या है बच्चों, हम कहेंगे बेटा ऑस्मोटिक, बेटा ये है आपका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम पाई या आर सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए, अब ये बेटा अगर जो हमें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या मतलब इस ये पूछे एग्जाम में आपके, मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर में पूछ देता है नीट या जेई में कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या रिलेटिव, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर केवल इतना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है, ठीक भाई चेंज होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है, जब इसमें एलिवेशन लगेगा तब बॉइलिंग होगा, जब इसमें लोअरिंग में रिलेटिव लगेगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी, इस तरह फ्रीजिंग पॉइंट क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं है, जब डिप्रेशन लगेगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है बच्चों। इसी से बच्चों इसको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम पूछ देता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चे करके चले आते हैं यस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चे करके चले आते हैं, बॉइलिंग पहले बेटा एलिवेशन लगना चाहिए। इसी तरह बच्चों डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही तो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बच्चे तुरंत सही करके चले आते हैं कि मैंने सही किया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जब तक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बेटा, डिटेल में पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमने बेटा लेना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, बच्चों ये हो गया प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गया बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। अब आते हैं बच्चों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से करने से पहले थोड़ा सा एक दो चीज़ें पढ़ लें, जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा पहले, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें बेटा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट पढ़ा होगा आपने, कि बच्चों जब सॉल्वेंट होते हैं बेटा और जो सॉल्यूट होते हैं, ये दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, जब ये दोनों कंपोनेंट मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है बच्चों, सॉल्यूशन बनता है बेटा। अब बेटा जो सॉल्यूट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ये बेटा जो सॉल्यूट होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक तो बच्चों होता है हम बोलते हैं, एक बोलते हैं बेटा सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, क्या बोलते हैं बच्चों नॉन, यानी ये सॉल्यूट कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा होता है बच्चों वोलेटाइल सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है वोलेटाइल, क्या होता है बच्चों सॉल्यूट। अब इन दोनों में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वो होता है विच डू नॉट फॉर्म वेपर, यानी वेपर का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच डू नॉट फॉर्म वेपर, क्या कहेंगे बेटा इसके इसके बारे में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि विच डू नॉट फॉर्म वेपर, यानी वेपर का फॉर्मेशन ये बिल्कुल नहीं करता ना वेपर ये बनाता है, विच डू नॉट फॉर्म वेपर, ठीक है बच्चों। अब वोलेटाइल की बात करते हैं बेटा, वोलेटाइल क्या होता है बच्चों, तो वोलेटाइल की बात करते हैं, वोलेटाइल मतलब क्या होगा, ये वेपर का फॉर्मेशन करेगा,
तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर, ये क्या करेगा, वेपर जो है बिल्कुल बनाएगा, वोल्टाइल मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ वेपर यानी वेपर बनाना, नॉन वोल्टाइल वो होगा सॉल्ट होगा जो कि वेपर बिल्कुल जीरो नहीं के बराबर बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों जरा नॉन वोल्टाइल सॉल्ट के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जो नॉन वोल्टाइल जो सॉल्ट होता है ना वो उसको बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो होता है बेटा नॉन वोल्टाइल सॉल्ट व्हिच डू नॉट फॉर्म वेपर, वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता। दूसरा बच्चों हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि व्हेन नॉन वोल्टाइल सॉल्ट, यहाँ बच्चों हम लेते हैं कि व्हेन, अगर जो यहाँ बेटा हम लेते हैं व्हेन नॉन वोल्टाइल सॉल्ट जो होता है, क्या होता है नॉन वोल्टाइल सॉल्ट जो हम लेते हैं बच्चों, नॉन वोल्टाइल सॉल्ट में क्या क्या होता है, हम उसमें सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं बच्चों, हम उसमें यूरिया NH2 CONH2 ये यूरिया भी बेटा हम ले सकते हैं, इसके यूरिया बोलते हैं बेटा, या बच्चों हम इसमें ग्लूकोज भी ले सकते हैं C6H12 अब बेटा O6 ये क्या होता है बच्चों ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है बच्चों ये ग्लूकोज होता है, ठीक है ना बेटा ग्लूकोज। फिर हाँ तो बच्चों ये बेटा ग्लूकोज हो गया, बेटा हम इसे क्या करते हैं बच्चों ऐड करते हैं, इज एडेड, हम यहाँ बेटा क्या करते हैं बच्चों इज एडेड, ठीक है प्योर सॉल्वेंट किसके साथ बच्चों हम एडेड किसके साथ करते हैं बच्चों प्योर सॉल्वेंट, है ना प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर सॉल्वेंट के साथ जैसे ही बच्चों नॉन वोल्टाइल सॉल्ट को बेटा हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों नॉन वोल्टाइल होता है ना बच्चों, बेटा जब नॉन वोल्टाइल जो सॉल्ट होता है वो वेपर का फॉर्मेशन बिल्कुल करता ही नहीं है, और जैसे आप वोल्टाइल सॉल्ट में इसको मिक्स करेंगे तो वेपर वोल्टाइल सॉल्ट का तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर बेटा ज़्यादा होता है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट होता है, वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही नॉन वोल्टाइल सॉल्ट को बेटा हम इसके अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा उसका वेपर प्रेशर बच्चों क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज एडेड द प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों वेपर भी मतलब वेपर अब पीछे प्रेशर, ये बेटा शॉर्टकट में हमने लिख दिया तो बच्चों ये क्या होता है बेटा ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों तो ये डिक्रीज हो जाता है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कह सकते हैं बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बेटा जो सॉल्यूशन होता है लेस देन किसके होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, वेपर प्रेशर आप बच्चों किसके होता है प्योर सॉल्वेंट के, किसके बच्चों प्योर सॉल्वेंट के, है ना बेटा प्योर सॉल्वेंट के। अब बेटा देखिए कैसे होता है यहाँ पे कि हम बच्चों एक कंटेनर लेते हैं बेटा, ये हमने कंटेनर लिया बेटा, देखिए ये हमने कंटेनर लिया बच्चों, इस कंटेनर में हमने क्या किया बेटा कि हमने जो है एक लिक्विड ले लिया बेटा, ये बच्चों देखिए हम यहाँ पे बच्चों लिक्विड ले लेते हैं, लेकिन बेटा आपको मैंने बताया ना डिस्कस किया है कि वेपर प्रेशर कहाँ डिफाइन करते हैं क्लोज कंटेनर में बच्चों, तो ये बेटा हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे हमने क्लोज कंटेनर ले लिया बच्चों, देखिए हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हमने क्लोज कंटेनर ले लिया। ठीक है अब इसके अंदर बेटा हम क्या करते हैं कि ये बेटा प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, ये बेटा सॉल्वेंट है, क्या है बेटा सॉल्वेंट, ये बेटा सॉल्वेंट को कंपोनेंट हम क्या लेते हैं बेटा ये लेके बच्चों चलते हैं। ठीक है बच्चों अब ये बच्चों ये जो सॉल्वेंट है बेटा ये क्या है वोल्टाइल नेचर का है, क्या है बच्चों ये वोल्टाइल नेचर यानी वेपर का फॉर्मेशन करता है, और जब वेपर का फॉर्मेशन करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा ये प्योर सॉल्वेंट को किसे इंडिकेट करते हैं आपने पहले राउंड साइन पढ़ा है P0A से बेटा करते हैं, ये क्या है बच्चों प्योर सॉल्वेंट है बेटा, इसे बच्चों हम कैसे डिनोट करेंगे P0A से, ये किस नेचर का है बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं वोल्टाइल नेचर का है, किस नेचर का है ये वोल्टाइल नेचर का बेटा ये है। ठीक है ना अच्छा अब बेटा हम यहाँ पर आ गए वोल्टाइल नेचर का है, अब बच्चों हम इसे P0A से क्या करते हैं बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बेटा हमने यहाँ भी अलग लिख दिया है। अब आते हैं बच्चों कौन कौन से जो होते हैं वोल्टाइल नेचर के कि जो सॉल्वेंट होते हैं, तो कह सकते हैं बच्चों प्योर सॉल्वेंट बेटा केवल वन कंपोनेंट ही होता है, तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट, क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट हैज बेटा हम कहते हैं ओनली वन कंपोनेंट, जो प्योर सॉल्वेंट हैं केवल वन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है बच्चों जैसे उसमें हम कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन, हम क्या कहते हैं बच्चों ये नॉर्मल हेक्सेन, फिर बच्चों ये क्या है बेटा एक कंपोनेंट है तो प्योर सॉल्वेंट हुआ। ठीक है बच्चों वाटर ये क्या होते हैं बच्चों वोल्टाइल नेचर के होते हैं, वेपर बहुत अच्छा बनाते हैं।
ठीक है बेटा। वे वाटर हो गया बच्चों, वाटर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड भी क्या होगा बच्चों, ये भी बेटा वेपर बनाएगा, एसिटिक एसिड बच्चों ये भी वेपर बनाएगा। हालांकि बच्चों इसको पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट हो जाए। इथेनॉल होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, वोल्टाइल नेचर का होता है बेटा। हमने आपसे डिस्कस किया था कि मेथेनॉल बच्चों ये भी किसके नेचर होता है, वेपर नेचर होता है। टॉलुविन ये भी क्या होता है बच्चों, किसके नेचर का होता है बेटा, किसके नेचर का होता है, वोल्टाइल नेचर का। इसी तरह बच्चों एसीटोन ये भी क्या होता है बच्चों, वोल्टाइल नेचर का होता है ना बेटा। टेट्राक्लोरोइथाइलिन ये बेटा होता है टेट्रा, ये बच्चों होता है क्लोरो, ये होता है बच्चों इथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन ETC बेटा। ये भी किस नेचर का होता है बच्चों, वोल्टाइल नेचर का होता है, है ना बेटा। तो इसे कहते हैं बच्चों वोल्टाइल नेचर का होता है। दूसरा बेटा हम ये कहते हैं यहाँ पे कि अब ये देखिए वोल्टाइल, ये सारे क्या करते हैं बच्चों, वेपर का क्या करते हैं बेटा, ये सारे जो हैं बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि सारे जो क्या करते हैं बच्चों, वेपर का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं, सारे जो है वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, वेपर बनाते हैं। अब बच्चों आते हैं हम यहाँ पे बच्चों आते हैं नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट की बात करते हैं बेटा। ये नॉन वोल्टाइल जो सॉल्यूट होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं बेटा, ये वेपर बनाते ही नहीं है, बिल्कुल जीरो मान कर चलिए। ये जो होते हैं क्या करते हैं बेटा, ये नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है, ये बच्चों क्या होते हैं, ये बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये तो बेटा वेपर बना रहे हैं, है ना बेटा। ये क्या करते हैं बच्चों, ये नॉन वोल्टाइल जो सॉल्यूट होते हैं ये बहुत कम वेपर बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। ये देखिए पूरा कंप्लीट वेपर का नॉक नौ के बराबर ही मान के चलिए, ये वेपर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये बेटा होते हैं नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट, इसको बोलते हैं क्या होते हैं बच्चों, नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है, इसे बच्चों इसे ये क्या आता है बच्चों, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को बच्चों किसे इंडिकेट करते हैं, बी से, है ना बेटा। ये क्या होता है बच्चों, हम इसे क्या करते हैं बेटा, ये पी बी होता है, क्या होता है बच्चों, ये पी बी, ठीक है ना बेटा। ये आपका हो गया बेटा पी और ये हो गया बेटा बी, ठीक है ना, सॉरी पी बी, ये बेटा क्या होता है, कंपोनेंट हो गया आपका, किसको क्या करते हैं, ये बेटा ये है आपका पी बी, ठीक है ना। ये नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है, है ना बेटा। अभी नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है, ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ये बेटा क्या होता है बेटा, ये कह सकते हैं यहाँ पे पी बी क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये बिल्कुल बेटा ये जीरो होता है, क्या होता है बच्चों, ये भी क्या होता है बच्चों, बिल्कुल ये जीरो होता है, ठीक है बेटा। अब हाँ तो बेटा हम यहाँ इसी बात करते हैं, ये नॉन वोल्टाइल होता है प्योर, ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता, जब वेपर का बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को यानी इसको वोल्टाइल को, इसको बेटा, और इन दोनों को हम एक क्या करते हैं बच्चों, एक बेटा हम किस में लेते हैं बच्चों, हम यहाँ ले लेंगे बेटा, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों को बेटा हम एक जगह लेते हैं, यानी प्योर सॉल्वेंट को और सॉल्वेंट को, बेटा हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक कंटेनर में लेते हैं, किसको किसको, इसको और इसको, दोनों को हम बेटा एक कंटेनर में लेते हैं बेटा। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने बेटा यहाँ ऐसे लिया, यहाँ बेटा हमने ये लिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हम यहाँ क्या लेते हैं कि बेटा ये वाटर है, ये बच्चों क्या है बेटा, ये वाटर है बेटा, है ना बेटा, ये वाटर है। अब यहाँ पे क्या बनते हैं बच्चों, ये देखिए ये जो है बेटा कुछ इसके लेयर के ऊपर जो है बेटा, ये सॉल्यूट होते हैं बच्चों और सॉल्वेंट होते हैं, है ना बेटा। ये देखिए बेटा सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, इसे बच्चों क्लोज कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, इसे क्लोज करेंगे ना बच्चों, ये बेटा हमने इसे क्लोज कर दिया बेटा। अब बेटा ये जो जो छोटे से पार्ट है इसे को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो छोटा सा है बेटा ये इसे बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट, और ये जो बच्चों होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा सॉल्यूट होते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हम कह सकते हैं बेटा कि ये क्या होता है, यहाँ पर लेसर सरफेस एरिया क्या होता है, हम कह सकते हैं कि लेसर सरफेस एरिया जो होता है बच्चों अवेलेबल होता है, ठीक है। लेसर सरफेस एरिया इस क्या होता है बच्चों, अवेलेबल लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर ओनली प्योर सॉल्वेंट, फॉर ओनली प्योर सॉल्वेंट, लेसर सरफेस एरिया
अवेलेबल फॉर ओनली प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, ये उसके लिए बेटा अवेलेबल होता है। अब यहाँ बच्चों क्या होता है, बहुत कम ही क्या होता है बच्चों, वेपर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसे सॉल्यूट पार्ट के मिल गए, सॉल्यूट तो वेपराइज होंगे, एकदम लेसर सरफेस एरिया मिला है जिससे कि वेपराइज नहीं हो पा रहे हैं, और सॉल्यूट क्या है, बिल्कुल वेपर बनाते ही नहीं है बच्चों। तो बेटा हमने ये पढ़ा है ना कि पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए पी ए प्लस पी बी हमने ले लिया बेटा, है ना, कंपोनेंट ए लिया कंपोनेंट बी लिया बेटा, तो कंपोनेंट ए क्या है बेटा, हम इसे कह सकते हैं बच्चों सॉल्वेंट कह सकते हैं, ऐसे क्या कह सकते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं बच्चों सॉल्यूट है हुआ। तो बेटा हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, बिल्कुल वेपर बना नहीं रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, जब वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ इसमें वैल्यू रखेंगे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस बेटा हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे जीरो। तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बेटा देखिए पी टी इज इक्वल टू बेटा हो गया पी ए। अब बेटा हम आते हैं यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या करते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अरे चाहे पी टी रखिए या चाहे पी ए रखिए, बात एक ही है। तो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, टोटल क्या है बच्चों, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये बच्चों पी ए क्या है बेटा, ये कह देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इसे कहेंगे बच्चों पार्शियल बेटा, यहाँ कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बच्चों, इसे कहेंगे सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की यहाँ बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बच्चों क्या होता है ये राउल्ट्स लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में क्या कहता है बच्चों, हम बेटा आपने पढ़ा है कि पी टी इज इक्वल टू पी ए, तो हम ले लेते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों पी नॉट ए, अरे भाई पी टी इज इक्वल टू पी ए, चलिए हमने पी टी ले लीजिए चाहे पी ए लीजिए, बात देखी है, चलिए हमने ले लिया बेटा पी टी पी ए टी इज इक्वल टू पी ए, तो हम बेटा हम चलिए ये ले लेते हैं पी टी इज इक्वल टू पी ए, तो चलिए हम पी टी ही ले लेते हैं, आपको समझने में थोड़ा और आसानी रहेगी, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू पी ए, तो ये पी टी इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पे ये पी ए हो गया। अब बेटा पी ए की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, पढ़ा होगा आपने राउल्ट्स लॉ में, तो ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे पी ए, तो पी टी बेटा तो ये हो ही गया आपका। अब पी ए की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बेटा ए लिख देंगे। अब बच्चों जैसा कि सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बेटा ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू वन, है ना बेटा, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों वन माइनस एक्स बी के, जानते ही आप इसे। अब बेटा हम इसमें क्या करना है, एक्स एक्स ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, इसी में हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को हम किस में करेंगे, यहाँ पर बेटा क्या करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, इस इक्वेशन में। तो बेटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, अब बेटा ये हो जाएगा वन माइनस एक्स बी के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वन माइनस एक्स बी के। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा पी नॉट ए, अब बेटा ये इसको मल्टी पी नॉट ए हो जाएगा, अब बच्चों ये हो जाएगा एक्स बी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, देखिए पी नॉट ए और एक्स बी को बेटा हम इधर लाते हैं, तो हम क्या करें बेटा पी नॉट ए इंटू बेटा एक्स बी को बेटा हम इधर लाते हैं, तो ये बेटा यहाँ क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी टी के। अब बच्चों यहाँ पर हम एक्स बी लिया बेटा हमने, अब क्या निकालना हमें, ये निकालना है, तो बेटा एक्स बी मानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस बेटा हो जाएगा पी टी अपन हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए के। तो बेटा ये क्या हो गया आपका बेटा, ये की रिलेशन आ गया, ठीक है। अब बच्चों इस ये जो पार्ट है बेटा इसे हम कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बेटा, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग बच्चों कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों वेपर, और बेटा हम इसे कहते हैं प्रेशर, ठीक है ना बच्चों। एक्स बी बेटा ये क्या है, एक्स बी मतलब ये क्या है बच्चों, हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बी जो कंपोनेंट है क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बच्चों हम इसे क्या कहेंगे सॉल्यूट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पी नॉट ए जो होता है
कि वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट के, वेपर प्रेशर आप किसके होता है ये बच्चों हो गया ये प्योर सॉल्वेंट के, वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट के। पीए क्या हो गया आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर आप क्या हो गया बेटा ये सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर आप बेटा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए बच्चों इसको भी कर लेते हैं। ये बेटा हो गया आपका डिटरमाइन डिटरमिनेशन कह लीजिए, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या कह लेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर बेटा हम कह लेंगे मास ऑफ बेटा ये क्या होता है बच्चों सॉल्यूट, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा सॉल्यूट, ये बेटा हो गया डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा क्या हो गया बेटा ये सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम इसे क्या करेंगे डेरिवेशन इसका करते हैं। तो जैसे बच्चों अभी हमने निकाला है ये क्या निकाला है बेटा एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो बेटा हमने यहाँ पे ले लिया क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अभी हमने जो निकाला हुआ ये फार्मूला ही ना निकाला है हमने, ये निकाला हमने पी नॉट ए हम पी टी, अब बेटा हमने निकाल दें यहाँ पे पी नॉट ए के बेटा। अब बच्चों ये एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा ये क्या होगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अरे आपने पढ़ा है ना नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो बेटा ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसमें होते हैं सॉल्यूशन में मतलब रहते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन ही होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या ले लिया एन ए ले लिया प्लस बच्चों हमने यहाँ पे बेटा एन बी ले लिया। अब ये बच्चों ये किसके हो गया ये हो गया बेटा पी नॉट ए माइनस पी टी अपन हो गया बच्चों पी नॉट ए के। ठीक है ना बच्चों, बेटा यहाँ हम थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो बच्चे एन ए होता है बच्चों प्लस एन बी होता है बेटा ये बेटा हमने ले लिया इसको एन ए, क्योंकि बेटा सॉल्यूट इज क्या है वेरी वेरी लेस, सॉल्यूट की क्वांटिटी एन बी क्या है बच्चों बहुत कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये एन ए क्यों हो गया कि ड्यू टू सॉल्यूट इज बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूट ड्यू टू सॉल्यूट सॉल्यूट इज वेरी वेरी क्या होता है बच्चों लेस एंड एन इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई एम। ठीक है एन इज इक्वल टू था डब्ल्यू बाई एम। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों जब सॉल्यूट को यहाँ पर निगलेजिबल कर लेंगे तो एन ए प्लस एन बी तो बेटा ये हो जाएगा एन ए एन बी अपन क्या हो गया बेटा एन ए, ये बेटा क्या हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए माइनस पी टी अपन पी नॉट ए के है ना बेटा। अब बच्चों ये एन बी क्या होगा ये हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी बाई बेटा हो जाएगा एम बी अपन हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए ये बेटा हो गया एम ए, ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी अपन पी नॉट बच्चों ए के। ठीक है बेटा अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपन हो जाएगा एम बी, ये हो जाएगा एम ए ऊपर ही चला जाएगा अपन हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा बच्चों पी टी अपन हो जाएगा पी नॉट ए यानी कुल मिला के बच्चों हम यहाँ पर कर लेंगे एम बी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपन बेटा हो जाएगा ये पी नॉट ए माइनस पी टी इंटू बेटा हो जाएगा ये डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का बेटा क्या है फॉर्मूला बच्चों ये डिराइव हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बेटा, इस तरह से बेटा हम इस फॉर्मूले को बेटा क्या किया बच्चों हमने बेटा ये डिराइव किया, ये बेटा सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट है बेटा ये पार्शियल प्रेशर है बच्चों ये पी नॉट ए प्योर, ठीक है ना वेपर प्रेशर है बेटा ये टोटल प्रेशर है बच्चों पी टी है ना ये बच्चों एम बी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, तो बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी को बेटा हम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी है ना बच्चों, वेयर यहाँ पे क्या है बेटा डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर द वेट ऑफ हम यहाँ बच्चों कहेंगे आर द बेटा हम यह कहेंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है बच्चों,
दूसरा बेटा कहेंगे एम ए एन एम बी आर क्या है बच्चों, ये मोलर मासेस हैं। एम ए एन एम बी क्या है बच्चों, ये आर देयर करस्पॉन्डिंग, कह सकते हैं आर देयर करस्पॉन्डिंग बच्चों, करस्पॉन्डिंग बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे बेटा मोलर, बेटा हो जाएगा ये मास के, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, तो हम बेटा ये क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम बी क्या हो जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूट, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बच्चों कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसे कहेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर, बेटा हम कह सकते हैं मास ऑफ बच्चों, ये हो गया बेटा सॉल्यूट, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर, देखिए अगर जो कोई कहता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोअरिंग बच्चों कह देता है कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बेटा बिल्कुल कहेंगे नहीं है। जब इसमें आपको लगेगा कि ये आएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बच्चों होता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बेटा यहाँ से लिख लेंगे, वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बेटा हो गया, हमने आज आपको निकाला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बच्चों। तो बेटा ऐसे आपसे ध्यान सुनिएगा, आप बेटा कहीं डाउट होगा तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा बेटा, कमेंट्स करिएगा हमें, और आगे बच्चे इस पर हम बेटा आप क्या करेंगे बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बेटा एनसीईआरटी के, और कुछ कम्पिटिटिव नीट और जेई के भी प्रॉब्लम्स बेटा हम जो आए हुए हैं दो तीन सालों में, लेटेस्ट थ्री ईयर्स का कम से कम बेटा हम सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी के बेटा सारे प्रॉब्लम्स इसके से रिलेटेड हैं, हम बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बेटो, ठीक है बेटा, हम आगे फिर इस लेक्चर के बेटा हम क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हमें बेटा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेटा करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों लेक्चर को हम बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं, ओके।